तो चलिए बात करते हैं उड़ानिया शो के बारे में। आसमा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी रेस जीतने के लिए, लेकिन यहाँ बलविंदर ने पहले से ही उसके ट्रैक्टर के टायर को ढीला कर दिया था, जिसकी वजह से ये मैच जीतते जीतते आसमा रह जाती। तो वहीं दूसरी ओर जब घर सब पहुँचते हैं तो यहाँ पर सबका गुस्सा रणविजय के ऊपर फूट पड़ता है। सब यही कहते हैं कि सगा तो सगा ही होता है, ये पराया था इसलिए ये नहीं पहुँचा टाइम पर। आपको बता दें कि रणविजय को ही वो ट्रैक्टर चलाना था और रणविजय जब टाइम पर नहीं पहुंचता है क्योंकि उस वक्त वो आलिया और आलिया की बेटी की जान बचा रहा था, राजा को सही ओर ला रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि अब छोड़कर जा रहा है रणविजय घर, क्योंकि अब सही समय आ गया है। रणविजय अपना सामान लेकर निकल रहा होता था तभी आलिया आकर रणविजय को यही कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो। यहाँ रणविजय कहता है कि अब समय आ गया है कि जब मैं ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ। तब यहाँ आलिया कहती है कि जब छोड़कर जाना ही था तो मेरे सपने क्यों जगाए, मुझे अपना क्यों बनाया, और गले मिल लेती है। और दूर खड़ा अरमान और आसमा ये देख लेते हैं। अरमान को गुस्सा चढ़ता है और अरमान आकर मारने लगता है यहाँ रणविजय को और कहता है कि मेरी भाई की बीवी के ऊपर तुमने गलत नज़र रखी, तुम्हारा यही चक्कर चल रहा था। यहाँ पर आसमा आकर अरमान को रोकती और कहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अरमान आसमा पे भी गुस्सा हो जाता और कहता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम था ना, तुम्हें इन दोनों की आशिकी पहले से मालूम थी ना। आपको बताते चले कि यहाँ बात काफ़ी बिगड़ जाएगी, कोई समझने की कोशिश ही नहीं करेगा कि यहाँ पर आलिया और रणविजय ने कुछ गलत नहीं किया है। मतलब देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा शो में आगे।